हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज की डेट में देखा जाए तो देखिए मार्केट काफी ऊपर थी, बट एज सच अगर बात की जाए कुछ ही स्टॉक्स थे जैसे शुगर मिल या इथेनॉल से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे वो भागते हुए दिखाई दिए। अदरवाइज मोस्टली कुछ मार्केट में ऐसा था नहीं, पोर्टफोलियो रेड में ही दिखाई दे रहे थे आज की डेट में। बट यहाँ पर बात करें ओवरऑल अच्छा मार्केट, कोई इशू नहीं है। तो अगर देखिए यहाँ पर कल हमने कुछ स्टॉक्स ब्रेकआउट में दिए थे जिसमें एफएल इंडिया का नाम अगर हम देखें तो आज के दिन में लगभग लगभग ये शेयर 12-15% ऊपर था। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्ट्रेस होके यहाँ पर नीचे 10% का फिर भी यहाँ पर अपसाइड। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ब्रेकआउट को भी प्ले कर सकते हैं कि एंट्री लेके हमने प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किया। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अभी और रैली होगी, थोड़ा सा और शेयर भागेगा। जो अपने टारगेट थे कितने यहाँ पर टारगेट आ रहे थे, यहाँ पर जो ये टारगेट हमने आपको डिसाइड बताया थे 1700 रुपये तक के, इधर तक जाने की पूरी उम्मीद है। बट इसके लिए थोड़ा सा रेट यहाँ पर साइड बेस चल के फिर ऊपर जा सकता है। तो आपको क्या करना है वो आप इतने हिसाब से यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा, और चीजें ऊपर जाके फिर नीचे भी आ सकती है, तो इस चीज के लिए भी ध्यान रखिएगा। तो आपको जैसे करना है आप अपने दिमाग से यूज करिएगा कि किस तरीके से करते हैं। आप जो हमारी वीडियो देखते हैं उन्हें पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है, और अच्छे खासे रिटर्न ऑलरेडी हमें हमारे जो 20% का टारगेट होता है 3 महीने के अंदर अंदर उससे ज्यादा हमें पर रिटर्न मिल चुके हैं। तो अब क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं हम कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स की। एक स्टॉक्स जो एफएल इंडिया की तरह यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है, एफएल इंडिया की तरह ही यहां पर भागता हुआ दिखाई देगा, बट अभी वो क्या हो गया, अभी वो नीचे चल रहा है। भागा नहीं है, नीचे चल रहा है, और कभी भी भाग के आपको अच्छे खासे रिटर्न देगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंसोलिडेट वो हो चुका है। तो कौन सा स्टॉक्स है, कौन हमें इसे बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड बातें करते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर जो कि आपका चैनल है, अगर खुद का चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि फौरन तौर पे इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे, एज वेल एज डेली वीडियोस बनाई जाती है। जाके देखिए डीसीएम श्रीराम यहाँ पर 3-5% से लगभग भागते हुए दिखाई दिया, ये पेनी स्टॉक भी भाग रहा था, इसके अलावा ये भी स्टॉक्स भागे, सारे भागते हुए दिखाई दे रहे और इसी तरीके से भागते रहेंगे। इसी तरीके से स्टॉक्स में रैली आती रहेगी। ASRL आज दोबारा यहाँ पर अपर सर्किट में है और 300 का टारगेट मुझे नजर आता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उस स्टॉक से बातें करते हैं जो स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे खासे तरीके एफएल इंडिया की तरह भागता हुआ नजर आएगा। तो और हमसे कांटेक्ट करना है इस पर्टिकुलर नंबर पे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिस स्टॉक से रिलेटेड मैं कह रहा हूँ वो भी ए से ही है, जिसका नाम है एडीएफ फूड्स। एडीएफ फूड्स की बात करें तो काफी बार यहाँ पर वीडियो बना चुका हूँ, 350 रुपए के लेवल से इसे मैं रिकमेंड करता आ रहा हूँ। और इससे अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए ये जो कंपनी है एडीएफ फूड्स, क्या बनाती है, पिकल्स, चटनी, रेडी टू ईट आइटम्स, पेस्ट एंड सॉस, फ्रोजन फूड्स, स्पाइसेस एटसेट्रा, ये बनाती है। और ये जो अगर बात करें इनकी जो पूरी रेवेन्यू है ना मोस्टली एक्सपोर्ट करके आती है, गुजरात बेस्ड कंपनी है। यहाँ पर अगर बात करें ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स इनके आपको US, UK अलग अलग यहाँ पर कंट्रीज में यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। अगर इसके ब्रांड की बात करें यहाँ पर 7 ब्रांड है, जैसे अशोका हो गया, यहाँ पर ट्रूली इंडियन हो गया, जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया एंड यूके, PGS ऑर्गेनिक हो गया, इसके अलावा यहाँ पर कैमल का प्रोडक्ट्स हो गया सॉरी नेट हो गया, इसी तरीके एरोप्लेन हो गया। तो अलग अलग यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स हैं और काफी बेहतरीन। यहाँ पर द कंपनी रिसेंटली स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ फॉर्च्यून 500 FMCG ग्लोबल फर्म्स इन द US एंड UK। तो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी को भी इनको डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। तो छोटी मोटी कंपनी मत मानिए इसे, एक बड़ी कंपनी है बट साइज छोटा जरूर है, 1713 करोड़ रुपए का स्मॉल कैप कंपनी है। तो जब शेयर भागता है तो अच्छे तरीके से भागता है, 350 का शेयर 1200 रुपए जाके रुका था यहाँ पर, सॉरी 1100 रुपए के आसपास। और उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो एक अच्छी खासी गिरावट भी हो चुकी है, 700 रुपए तक ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया था और अभी लगभग 857 रुपए पे ये शेयर यहाँ पर चल रहा है। तो इसी तरीके से देखिए गिरावट भी आती है और जो इस गिरावट को सस्टेन कर लेता है, कंसोलिडेशन को फेस कर लेता है, उसको फिर अच्छे खासे रिटर्न इस तरीके से मिलते हुए दिखाई देते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है, कभी मल्टी बैगर शेयर है, कभी ये 1400 रुपए का हुआ करता था और यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से यहाँ पर रिटर्न देती हुई आई है। इसके अलावा जो ग्रोथ इसने दिखाई है 5 साल में 49% के CAGR से यहाँ पर पैसा बना है, और यहाँ पर हम तो बात केवल 40% के CAGR की करते हैं, तो यहाँ पर 49% के CAGR से पैसा बना रहा है। ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस देखेंगे, कंसिस्टेंसी पे यहाँ पर बात करें हर क्वार्टर में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है, और यहाँ पर अभी भी बात करें तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स हुई थी। नंबर की बात करें प्रॉफिट यहाँ पर हाईएस्ट एवर नहीं था जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिस, बट यहाँ पर क्वार्टरली एज वेल एज एनुअली बेसिस पर थोड़ा
थोड़ा सा कम था, बट क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस स्टिल इंटैक्ट था, अच्छा था, बेहतरीन था। इसके अलावा बात करें ईयरली बेसिस पे, तो 2010 में अगर बात करें 10 साल पहले 97 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अभी पिछले 12 महीने में 397 करोड़ की सेल हो गई, लगभग 300 करोड़ और ज़्यादा यहाँ पर सेल होती हुई दिखाई दी है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 13 करोड़ से 52 करोड़ हो गया है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर कंसिस्टेंट बेस पे यहाँ पर कंपनी परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। रिजर्व्स की बात करें 278 करोड़ के रिजर्व्स है, बोरिंग 15 करोड़ की है, वर्किंग प्रोग्रेस में 3 करोड़, इन्वेस्टमेंट 9 करोड़, कैश की बात करें तो 64 करोड़ का कैश भी है, तो कंपनी हर तरह पैमाने पर खरी उतरती है। इसके अलावा 36 करोड़ के जो भी यहाँ पर अगर बात करें हमेशा पॉजिटिव यहाँ पर कैश फ्लो रहा है, ओके कहाँ से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, मतलब जो भी सामान बेचते हैं वो पैसा आता है। आरओसी यहाँ देख सकते हैं अच्छी खासी आरओसी रही है, पिछले 2-3 साल से 20 से ऊपर ही रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 31.42% है, एफआईज की होल्डिंग 10.04%, एफआईज यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, डीआईएस यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। पब्लिक की बात करें पब्लिक से यहाँ पर हिस्सेदारी थोड़ी सी कम हो रही है, बट स्टिल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे 56 में भी बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी ले रखी है। और कुछ दिन पहले यहाँ पर न्यूज आई थी कि बाबा रामदेव जो उनके पतंजलि है यहाँ पर रुचि सोया के जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर विदेशों में बेचेंगे, और विदेशों में बेचने के लिए किस कंपनी से सौदा किया था, वो सौदा किया था एडीएफ फूड्स के साथ। तो इसी वजह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे एडीएफ फूड्स, तो एडीएफ फूड्स एक दिन बीच में क्या हुआ था, एडीएफ फूड्स एक दिन बीच में एक साथ जंप लगाई थी, 940 रुपए तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया था। देखिए ये जो जंप दिखाई दे रही है, उस दिन ये शेयर लगभग यहाँ पर कितना 11% भागा था, 11-12% और 945 रुपए तक जाके फिर नीचे आ गया था, अच्छी खास सी गिरावट हुई, कंसोलिडेट हुआ। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो शेयर यहाँ पर लगभग लगभग 10 से 11 महीने हो चुके हैं, एक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पर चल रहा है, और अब मुझे दिखाई देता है कि ये शेयर अच्छा खासा आपको रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, अच्छे खासे तरीके से भागता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पॉइंट्स की बात करें तो शेयर को लगभग लगभग इस लेवल को एटलीस्ट यहाँ पर निकालना पड़ेगा, 936 का लेवल। अगर इसने 936 का लेवल निकाल लिया तो एक अच्छी खासी रैली होती हुई दिखाई देगी, जो उसे 1000 पे ले जाएगी, और 1001 का यहाँ पर जो इसने लेवल निकाला तो उसके बाद एक लेवल और है जो कि ये है 1091 का, और 1091 मतलब यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई था 95 का, यहाँ पर 95 को इसने क्रॉस किया तो एक बेहतरीन यहाँ पर चीजें भागती हुई दिखाई देगी। और याद रखिए ये जो चीजें भगाते हैं, भगाने का डम करते हैं ना, ये बड़े लोग होते हैं, और क्यों डम करते हैं, वो इसलिए डम करते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर चीजें खरीदनी होती है। देखिए यहाँ पर ऊपर भागा, भागने के बाद इसे नीचे गिरा दिया, रिटेल इन्वेस्टर्स डर के मारे यहाँ बेचने लग जाते हैं, यहाँ पर बेच दिया, बड़े बड़े लोगों ने जो यहाँ पर डम किया उन्होंने यहाँ पर खरीदा, और यहाँ पर खरीद के अब दोबारा ऊपर ले जा रहे हैं, और धीरे धीरे ऊपर ले जाके इस शेयर को यहाँ पर अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनाते हुए दिखाई देंगे। 20% का टारगेट हमारा रहता है, 20% तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई तक भी अगर ये चला जाएगा ना, 20% उधर से भी ज्यादा यहाँ पर दिखाई देता है, कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए 25-26-27% के आसपास का यहाँ पर गेन दिखाई देता है। बट चीजें यहाँ पर रुकने नहीं वाली, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी यहाँ पर विदेशों में अपने माल की सप्लाई कर रही है, ओके, और यहाँ पर चीजें फिर अच्छी होती ही दिखाई दे रही है, बेकार होती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो इस कंपनी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देगी, एज वेल एज यहाँ पर शेयर एक कंसोलिडेशन फेज में काफी टाइम से यहाँ पर चल भी रहा है। नीचे के लेवल पे रेजिस्टेंस की बात की जाए तो ये इसके रेजिस्टेंस लेवल है 766, और उसके बाद अगर गिरता है तो यहाँ पर 720, इसके तो ये रिस्क थोड़ा सा रहता है। बट रिवॉर्ड की बात करें, जो ऐसी कंपनी होती है जो क्वार्टरली एनुअली बेसिस पर परफॉर्म करती है, वो नीचे जरूर आती है थोड़े बहुत टाइम के लिए, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल यहाँ पर परेशान करेगी, बट उसके बाद जब भागती है तो एक साथ ही 400%, 500%, 600% की रिटर्न देती हुई जाती है, जैसे कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने दिए भी है, अपने आप को प्रूव भी किया है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने रिटर्न्स है, तो यहाँ पर आप देखिए ये 125 रुपए का शेयर यहाँ पर कितने महीने के अंदर अंदर यहाँ पर आपको रिटर्न दे दिए, अगर आप यहाँ पर से देखेंगे ना इसे, तो कितने अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट दीजिए मुझे, तो यहाँ पर अगर देखेंगे कुछ टाइम के अंदर अंदर ही इसने आपको कितने परसेंट के रिटर्न दे दिए, अच्छे खासे बेहतरीन रिटर्न्स इस पर्टिकुलर शेयर ने आपको देते हुए नजर आया है। यहाँ पर देखिए अगर ऑल टाइम हाई तक जाते हैं तो लगभग लगभग एक महीने की बात कर लो तो 755% के रिटर्न यहाँ पर दे दिए, और वो भी कितने महीने में, लगभग 400-450 दिन के अंदर अंदर। तो इसी तरीके के रिटर्न मिलते हैं जब ऐसी कंपनी में हम इन्वेस्टेड रहते हैं जहाँ पर
कंटिन्यूटी के बेस पे, कंसिस्टेंसी के बेस पे यहाँ पर प्रॉफिट होता रहता है। तो ADF फूड्स को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर बाई करिएगा। मैं ऑलरेडी इसमें पर्टिकुलर शेयर में बायर हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई क्वेरी है तो कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर करना जितना हो सके, सपोर्ट करना, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी ऐसी बेहतरीन वीडियो आपके लिए डेली बेसिस पे लाई जाएंगी। और यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।